सो गाइज, एज यू नो, मैंने सेंटर स्टैंड ख़रीदा था ओला की तरफ से. उनका खुद का सेंटर स्टैंड है ब्रांड का. तो मेरा सेंटर स्टैंड को अभी करीब 9 महीने हो चुके हैं. मैंने सेंटर स्टैंड इंस्टॉल किया है. ऑर्डर करने के करीब 5 महीने बाद शायद ये आया था, और उसके बाद मैंने इसे लगवाया था सर्विस सेंटर जाके. तो कल मेरा ड्राइव करते वक्त, राइड करते वक्त, मेरा सेंटर स्टैंड का जो स्प्रिंग है वो टूट गया है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे अभी रस्सी से बांध रखा है ताकि ये नीचे ना लटके, क्योंकि स्प्रिंग टूटने के बाद ये नीचे पूरा घिस रहा था. तो बहुत ही बुरी तरह से नॉइज़ आया, और मुझे तुरंत ही रुक के, अच्छा हुआ कि मेरे पास रस्सी थी तो मैंने तुरंत ही रुक के इसे बांध दिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग माउंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और दूसरी तरफ ये अटैच होता है यहाँ पे अंदर. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है इसके स्प्रिंग माउंटिंग के लिए. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगता है जो कि स्ट्रेच होता है ताकि सेंटर स्टैंड ऊपर रह सके, नीचे ना जाए ऑटोमेटिकली. तो वो स्प्रिंग टूट गया है. मुझे पहले ही लगा था कि वो स्प्रिंग का क्वालिटी कुछ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पर ना कोई पेंट था ना ही कोई कोटिंग था, तो वो जंग लग रहा था उसे, ऑटोमेटिकली जंग पकड़ रहा था वो. तो कल वो राइड करते वक्त ऑटोमेटिकली टूट चुका है. तो अभी मैं सर्विस सेंटर देखा होगा, शायद उनके पास स्प्रिंग होगा तो हमें नया स्प्रिंग मिल जाएगा, या तो फिर मुझे आफ्टर मार्केट से, मतलब थर्ड पार्टी से कहीं से स्प्रिंग का अरेंजमेंट करना होगा ताकि मैं ये रस्सी खोल सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही घटिया लुक दे रहा है मेरे स्कूटर को. और ये जो ग्रैब रेल है, जैसे कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि इसको अभी ऑफ़र चल रहा था कल, तो कल आपको ये करीब 800 रुपीज़ का मिल रहा था, तो आज ये वापस 900 रुपीज़ का हो चुका है. वैसे ग्रैब रेल के बारे में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा है, ये सॉलिड है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और जो पर्पज़ है इसका काफ़ी अच्छे से सर्व कर देता है. कोई बैक रेस्ट अच्छे से मिल जाता है जो भी पीछे बैठता है, तो अभी गिरने का डर नहीं रहता पीछे वाले को. अगर आप हाइपर मोड में चला रहे हो स्कूटर को, या फिर आप अचानक से एक्सलरेट करते हो, तो पीछे वाला कोई गिरेगा नहीं. इसका तो आप श्योर हो सकते हो कि नहीं गिरेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बैक सपोर्ट ही मिल जाता है आपको यहाँ पे पीछे. तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वैसे वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे इसे परचेस करोगे तो मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा. मेरा अमेज़ॉन एफिलिएट का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे हैं तो 900 रुपीज़ में आज भी आप इसे परचेस कर सकते हैं. वैसे इस पर बीच बीच में ऑफ़र आती रहती है, तो कोई अगर ऑफ़र आती है तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तब जाकर भी आप इसे ले सकते हैं. वैसे चांसेस बहुत कम है ऑफ़र आने के, कभी कभी ऑफ़र मिल जाती है, बट अभी फ़िलहाल भी ये 899 का बिक रहा है, मतलब 900 का बिक रहा है, और अमेज़ॉन पर बिक रहा है. मैंने जब मंगवाया था तो मुझे उनके वेबसाइट से मंगाना पड़ा था, तो उसमें शिपिंग में काफ़ी सारे स्क्रैचेस मुझे इसमें लग गए थे. तो अमेज़ॉन पे आप इस पर रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है अमेज़ॉन को लेकर. तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से ही लीजिए, ताकि अच्छे से आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में मिले, और पैकेजिंग भी अच्छा होता है अमेज़ॉन का. वैसे पैकेजिंग तो कंपनी करती है, बट अगर जो शिपिंग कंपनी वो अच्छी हो तो काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाता है प्रोडक्ट, और सेफ डिलीवर हो जाता है आप तक. तो अभी ये जो है ये डायरेक्ट वेबसाइट से मुझे डिलीवर हुआ था, तो थोड़ा सा मिसहैंडल हुआ था ये पैकेज, बट ठीक है, कोई बेंड वगैरह कुछ आया नहीं था, थोड़ा सा कलर डैमेज हुआ था, बट इतना कुछ मेजर इशू नहीं है वो. तो आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका. और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फ्लोर बोर्ड है, मैंने काफ़ी बार ट्वीट किया, काफ़ी कुछ किया, बट इसका जो अप्रूवल है वो नहीं मिल रहा है ओला की तरफ से. तो वो बोल रहा है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जबकि ये ऑटोमेटिकली क्रैक हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो जो क्रैक्स का ये है, ये बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है. तो अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं ये क्रैक्स, तो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये टूट ही जाएगा. तो मैं सोच रहा हूँ इसमें फेविक्विक डाल के कुछ करके इसे, अपना जुगाड़ करके इसे रिपेयर कर ले अभी के लिए फ़िलहाल. तो ये तो आपको वारंटी में नहीं मिलने वाला है, काफ़ी कुछ ट्राई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स मुझे ओला की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो ये वारंटी में तो कवर होने वाला नहीं है. तो यही सारी अपडेट्स मुझे आपको देनी थी इस वीडियो में. अभी मेरा सेंटर स्टैंड मुझे रिपेयर होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए मैं आपको ज़रूर बता दूंगा. तो आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि इस रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे. मेरे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस ग्रैब रेल की और जो भी प्रोडक्ट्स है ओला रिलेटेड, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी. तो इस वीडियो में बस इतना ही. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में.